मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूं और आज मैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली आजकल जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर बहुत कॉमनली देखा जाता है एंड हम लोग अक्सर एलजीबीटी या गे कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाते। साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली हम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आज मैं उस बारे में विचार करूँ। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि आप बायोलॉजिकली जिस जेंडर के साथ बॉर्न हुए हो उसको एक्सेप्ट ना कर पाते। आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट है, बायोलॉजिकली एक मेल फीमेल के साथ एसोसिएटेड रहा है और फीमेल मेल के साथ, लेकिन आपको अपने अंदर से वो फीलिंग नहीं है, आपको अपने अंदर से कुछ बदलाव लगता है, आपको लगता है एक नॉर्मल ह्यूमन बायोलॉजिकल रिलेशनशिप में एंजॉय नहीं कर रहे, आपकी ओरिएंटेशन सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ फर्क है। और जब आप इस बारे में जानने लगते हो तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आपका बिहेवियर इस तरह से क्यों है। बहुत सारे लोगों में ये सेकेंडरी टू ट्रॉमा, सेक्सुअल ट्रॉमा और कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से भी देखा जाता है। कुछ लोगों के घर में माँ बाप में कोई मेंटल इलनेस होती है और उस वजह से वो अपने आप को ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ए कॉमन थिंग विच इज नाउ वी आर टॉकिंग ओपनली। पहले भी ये था मगर लोग बाग इसके बारे में खुल के बात नहीं करते। अगर हम जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्राइसिस को देखें तो जैसे हमें पता चलता है हम लोगों के मन में बहुत घबराहट, बेचैनी, निगेटिविटी, एबनॉर्मल से फियर्स आते हैं और ये क्राइसिस के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप बड़े होने लगते हैं तो आपको लगता है कि ये तो मैं ऐसा तो नहीं हूं, बट सोसाइटी आपको बार बार फोर्स करती है कि आप नहीं, वैसे नहीं है, आप डिफरेंट हैं, आपको डिफरेंटली बिहेव करना है, वाइल अंदर से आपकी फीलिंग कुछ डिफरेंट होती है। सो सबसे पहले हम इस कंफ्यूजन में गुजरते हैं जिसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहते हैं और हम अपने अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, डिफाइन करते हैं और हम फिर उसके बाद में इसके बारे में एजुकेशन लेना चाहते हैं कि जो ये मेरा बिहेवियर है ये अबनॉर्मल है या नॉर्मली है और मैं इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा हूँ। रिसर्च और एजुकेशन के बाद में हम लोग एक अपने फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाते हैं कि नहीं, आपको लगता है कि मैं तो एक डिफरेंट हूँ और मैं, मेरी जेंडर आइडेंटिटी एक आम जने से अलग है। उसके बाद में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेल फीमेल के साथ जाने की कोशिश करता है या मेल मेल के साथ जाने की कोशिश करता है और उस टाइम पे हम लोग श्योर हो जाते हैं कि नहीं, मेरी जो डिजायर है वो अलग है और बायोलॉजिकल नीड अलग है एंड वी ओवरकम दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड वी डिसाइड व्हाट वी वांट टू बी। देन वी लुक फॉर द सपोर्ट, मे बी वी लुक फॉर द सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द फैमिली एंड एट दिस स्टेज we get lot of individuals who come when the family rejects them or they are not able to go as per the expectation. India mein marriage ek bahut important institution hai aur jab koi jana is cheez ko refuse karta hai to badi conflict ho jata hai. Shuru mein wo openly bol nahi pate hain but dheeme dheeme with time they are openly talk about or इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे को जेंडर आइडेंटिटी इशू है या हमारी लाइकिंग टुवर्ड्स द सेक्स डिफरेंट है। फाइनली हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और हम उस तरह से अपने जीवन को गुजारने लगते हैं। नाउ इन दिस क्राइसिस लॉट ऑफ टाइम दे नीड सपोर्ट, दे नीड हेल्प व्हेन दे शुड कम फॉरवर्ड और इफ दे टेक हेल्प lot of time they realize in way that this conflict get resolved. Few of them agree that okay, they can go for the biological way of relationship. Others refuses for that and decide no, they cannot and they want to live a different kind of a life.
दिस इज कॉमन वर्ल्ड वाइड 15-20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज दीज काइंड ऑफ ए डिफरेंसेज इन देयर जेंडर आइडेंटिटी एंड आई थिंक इट्स वर्थ वाइल वी शुड स्टार्ट एंड गिविंग रेस्पेक्ट टू देम देन ट्रीटिंग देम लाइक ए अबनॉर्मल इंडिविजुअल. If we will come forward and give them this helping hand, they will accept themselves and lead a more near normal life. I wish all the best and I expect that if there is a crisis, you come forward and talk about it. And if you are not able to give your loved one their identity, then we are going wrong, not they are going.